आज का एजेंडा लेकर मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। नोटबंदी का आज 10वां दिन है। एक तरफ एटीएम और बैंक के बाहर आज भी लोग लाइनों में नजर आ रहे हैं, लोग कैश का इंतजार कर रहे हैं। सरकार लोगों को तमाम तरह की राहत दे रही है। आज से शादी वाले परिवार और किसानों को एक बड़ी राहत मिल रही है। इसके बावजूद बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लाइनें देखने को मिल रही हैं। इन सब के बीच नोटबंदी को लेकर संसद में संग्राम मचा हुआ है, तो आज फिर से संसद में हंगामे के आसार हैं। संसद के दोनों सदनों में आज फिर नोटबंदी पर चर्चा होगी, हंगामा होने के आसार हैं। तो हम आपको नोटबंदी को लेकर संसद में आज क्या होने वाला है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आज से आप किस तरह से नोट बदल पाएंगे। ये तमाम चीजें हैं जो आपके सामने हम आपको ग्राफिक्स से जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो लिमिट है वो कम की गई है। 2000 ही लिमिट है अब, जो अब तक 4500 हुआ करती थी। बैंक और पोस्ट ऑफिस में नोटों के एक्सचेंज की लिमिट घट चुकी है। आज से 4500 के बदले आप 2000 तक ही नोट बदलवा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर राहत उन लोगों के लिए जिनके घरों में शादी है, दूल्हा दुल्हन के माता पिता, आज से कार्ड दिखा करके 2.5 लाख तक आप निकाल सकते हैं। खाद बीज के लिए किसान आज से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। तो वहीं कृषि मंडी में एपीएमसी से रजिस्टर्ड व्यापारियों को 50,000 निकालने की छूट है। फसल बीमा की किश्त जमा कराने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है और इसे 15 दिन कर दिया गया है। और केंद्र सरकार के ग्रुप सी तक के कर्मचारी 10,000 तक निकाल सकेंगे एडवांस सैलरी। ये कुछ राहत है जो दी गई है और आज से ये शुरू होगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी राहत ये है, चूंकि बैंक से एटीएम से अभी भी लोगों को कैश मिल नहीं पा रहा है, इसमें एक अल्टरनेट अरेंजमेंट किया गया है। पेट्रोल पंप से भी अब कैश मिलेगा। अब ये कैसे होगा ये समझिए। पेट्रोल पंप पर अपने डेबिट कार्ड का आप इस्तेमाल करिए। डेबिट कार्ड स्वैप करने पर आपको 2000 रुपए मिलेंगे। फिलहाल देश के 2500 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर मशीन लगाएगा SBI। 3 दिन बाद ये सुविधा 20,000 पेट्रोल पंप्स पे भी अवेलेबल हो पाएगी और दिन में एक बार ही इस सुविधा का फायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी राहत है, बैंक से एटीएम से अगर पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो कम से कम पेट्रोल पंप पे जा करके वहां पे कार्ड स्वैप करके आप पैसे ले सकते हैं 2000 रुपए तक, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार। तो वहीं LIC ने पॉलिसी धारकों को भी एक बड़ी राहत दी है। नवीकरण प्रीमियम भुगतान का समय बढ़ाया गया, यानी कि अगर आपको कोई रिन्यू करवानी है अपनी पॉलिसी तो इसके जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिए गए हैं। 9 से 30 सितंबर के बीच प्रीमियम जमा करने वालों को ये सुविधा दी जाएगी। तो कई तरह से राहत भी देने की कोशिशें की जा रही हैं। एक बहुत बड़ी सहूलियत है कि अब आप पेट्रोल पंप से भी कैश ले पाएंगे। क्या कुछ अभी हो रहा है इस बीच जो एक राहत दी जा रही है, अभी क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, रिपोर्ट देखते हैं। अब बैंकों की कतार में नहीं फूलेगा दम। बैंड बाजा बारात, बालों को नहीं होगा गम। अन्नदाता की टेंशन होगी बेदम। नोटबंदी पर राहत के नए कदम। नोट बैन से नई करेंसी की किल्लत की मार झेल रही देश की जनता को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 दिनों से परेशानी झेल रही पब्लिक को राहत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों से लेकर आम पब्लिक और पब्लिक से लेकर उन लोगों को बड़ी राहत देने का फॉर्मूला ईजाद हुआ है जिनके घर शादी की शहनाई बजने वाली है। नोट बैन पर जनता को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए ऐलान किए गए हैं जिनका फायदा आज से मिलने लगेगा। आज से 4500 रुपए की जगह एक बार में 2000 रुपए तक के पुराने नोट ही बदले जा सकेंगे। आज से देश के 2500 चुनिंदा पेट्रोल पंप से भी 2000 रुपए निकाले जा सकेंगे। इन पेट्रोल पंप पर डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे निकाले जा सकते हैं। अब शादी का कार्ड दिखाकर बैंक खाते से 2.5 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। दुल्हा दुल्हन और माँ बाप में से किसी एक को ये छूट मिलेगी।
खाद बीज के लिए किसान हर हफ्ते अपने खाते से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। किसान सेविंग अकाउंट या किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 तक निकाल सकते हैं। फसल बीमा की किस्त जमा कराने के लिए समय सीमा 15 दिन और बढ़ा दी गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी APMC से रजिस्टर्ड व्यापारियों को हर हफ्ते 50,000 रुपए तक निकालने की छूट दी गई है। ग्रुप सी तक केंद्रीय कर्मचारी 10,000 की सैलरी एडवांस में निकाल सकते हैं। देश भर के नेशनल हाईवे पर 24 नवंबर तक टोल नहीं लगेगा। It has been decided, therefore, by the government to permit the farmers to draw up to ₹25,000 per week against the crop loans sanctioned and credited to their accounts, subject to the limits. Because the farmers, depending on their holding and which crop they are raising, they get various. There are limits up to which these loans are sanctioned, and this will also apply to the Kisan credit cards. खास बात यह है कि ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार की इस लड़ाई का ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं। वहीं ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने आज से कुछ और नए नियम बैंकों के लिए जारी किए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बैंकों के कुछ लेन देन के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। अब बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में एक दिन में 50,000 से ज्यादा पैसा जमा कराने पर पैन कार्ड दिखाना होगा। 50,000 या ज्यादा के बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और चेक पर भी पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट और ऐसे खातों के लिए भी पैन नंबर जरूरी कर दिया गया है जो बेसिक या जनधन खाते नहीं हो। इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि बचत खातों में 2.5 लाख से ज्यादा और करेंट अकाउंट में 12 लाख से ज्यादा जमा कराने वालों की जानकारी आयकर विभाग को दी जाए। साफ है कि नोटबंदी पर राहत के नए कदमों से परेशानी की मार झेल रहे लोगों को राहत जरूर मिलेगी, साथ ही नए नियमों से ब्लैक मनी पर और शिकंजा कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो नोटबंदी को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है, लोग मोदी सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। देखो तकलीफ आ रहा है लेकिन मुझे तो लगता है अच्छे के लिए कर रहा है मोदी जी, जो कर रहा है। अभी तो इतना मेरा 26 साल उम्र हो गया, मैं कभी तो ऐसा प्रधानमंत्री मुझे दिखा ही नहीं दिया जो अच्छे काम कर रहा है, बस ऐसा ही है। उसमें थोड़ा तकलीफ है लेकिन मुझे तो लगता है सही है, क्योंकि कोई कोई आदमी ऐसा करता है दो बार तीन बार ऐसे चेंजिंग कर रहा है, इसीलिए तो अच्छा किया है मुझे लगता है। पैसा डिपॉजिट करना है कम से कम 35,000 रुपीज, तो मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। इससे पहले मैं इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं देखा हूँ कभी नहीं, तो मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है आम जनता की भलाई के लिए लिया है। हालांकि वो तमाम लोग जिन्हें लंबी लाइन में लगने के बावजूद पैसे नहीं मिल पा रहे हैं वो नोटबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। खाली 2,000 निकल रहे हैं, 100-100 आएगा तो अच्छा है, 100-100 भी नहीं आ रहे, नोट्स में ऐसे दिखा रहे 100 आएगा, 5,000 आएगा ऐसे, लेकिन नोट्स है एडवर्टाइजमेंट है कोई फायदा नहीं हो रहा। 2,000 का नोट निकल रहा है, दूध वाले के पास जाओ भैया खुले पैसे ला, हैं सब्जी वाले के पास जाओ खुले पैसे ला, अब बताओ इतनी परेशानी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये जो मोदी जी ने किया ये काम वैसे तो ठीक है, लेकिन किया ये ठीक तब होता जब ये अपने लोगों का अडानी और अंबानी का भी पैसा निकलवा देते। ये आम पब्लिक जो है ना परेशान हो रही है, 2,000 रुपए के नोट निकल रहे हैं ATM से, और इसमें हो क्या रहा है, मैं कल नेहरू प्लेस गया था, एक मेरे को 2,000 रुपए किसी से मांग रहा था खुले, 100 रुपए का कुछ लेना था, वो कहता है सर 2,000 के 1,900 लेने थे मैं अभी दे देता हूँ, मतलब 2,000 के नोट पे भी कमीशन चल रहा है। ये परेशानी सबका है, ये जो 2,000 का नोट निकाला है ये बाजार में चलता नहीं है, इसके लिए 500 का नोट अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और कितना बार 2,000 करके मिल रहा है, लोग कितने बार चक्कर काटेंगे, ये तो बहुत परेशानी का बात है। अभी 2,000 रुपए का नोट लेके किसी वेजिटेबल शॉप में जाओगे तो दे वोंट गिव यू कैश। मोदी जी कृपया जनता के बारे में कुछ सोचे हैं, 500 रुपए का नोट पहले दिखा दिया पिक्चर में 8 बजे, उसको रिलीज करो। चाय भी 10 रुपए की मिल रही है, चाय भी 10 रुपए की स्टैंडर्ड रेट बना दिया, नजफगढ़ में तो 7 रुपए की मिल रही, फिर भी वहाँ ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, थिंक अबाउट इट एंड यहाँ के क्यू में खड़े होकर देखिए।
तो वाकई में अभी एक तरह से लोगों के आगे समस्या है कि अगर पैसे निकालने के लिए जा रहे हैं तो लंबी लंबी लाइनों में अभी भी उनको लगना पड़ रहा है, बहुत सारे जरूरी काम छोड़ने पड़ रहे हैं, परिवार का एक सदस्य तो हर किसी का रोज लाइन में ही नजर आ रहा है कि पैसे निकल आए, समस्या का समाधान हो, और इसलिए एक तरह से लोगों का थोड़ा बहुत गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बदलाव किए गए हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज आप बैंक से 2000 रुपए के नोट ही चेंज कर सकते हैं, जिसकी लिमिट कल तक 4500 रुपए थी। तो वही बड़ी राहत उन लोगों के लिए दी गई है जिनके घरों में शादी है, 2.5 लाख तक आप निकाल सकते हैं अपना शादी का कार्ड दिखा करके। बैंक से पैसे निकालने के लिए शादी का कार्ड आपको दिखाना होगा। वहीं किसानों को राहत दी गई है, खाद बीज खरीदारी के लिए 25,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। तो वहीं कृषि मंडी में एपीएमसी से रजिस्टर्ड व्यापारियों को 50,000 निकालने की भी छूट है। फसल बीमा की किश्त जमा कराने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। अभी क्या कुछ हो रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या कुछ है अभी आपके पीछे लोग देख खड़े हैं। अब ये चूंकि लिमिट कल 4500 रुपए थी, इसको भी कम कर दिया गया है, 2000 तक ही नोट बदल सकते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? चलिए ब्रिजेश से मैं दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी। लोगों की जो लाइन है ये तो हम सुबह से ही देखते हैं, चाहे बैंक के बाहर की बात करें या एटीएम के बाहर की बात हम करें। क्योंकि पहले जो लिमिट एटीएम से थी वो 2000 थी, उसको बढ़ाकर के 2500 किया गया था, और शुरुआत में नोट को बदलने की जो लिमिट तय की गई थी वो 4500 थी, अब उसको कम करके 2000 कर दिया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि करेंसी उतनी आ नहीं पाई है। तो कई तरह से चीजों को डे बाय डे जैसी समस्या आती है इसको रिव्यू करते हुए फिर चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। ब्रिजेश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। ब्रिजेश, ये बताइए जो लिमिट नोट चेंज करने की है इसको भी अब कम कर दिया गया है, 4500 की जगह 2000 कर दिया गया है, और हालांकि लोगों को सहूलियतें देने के लिए भी कोशिशें की गई हैं कि एक बार इंक लगा दी जाए उंगली में, उसके बाद लोग दोबारा से मतलब वही लोग बार बार पैसा ना निकल पाए, ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं इससे लोगों को कुछ फायदा लग रहा है? देखिए श्वेता, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार हर रोज रिव्यू कर रही है अपने ही फैसलों को और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं और उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। हाँ, आज से कुछ बदलाव हुए हैं और वो बदलाव आज से प्रभावी हो गए, जिसमें खास करके जो असर जो करने वाली बात यह है कि एक्सचेंज करने वाली मनी वो आप 2000 तक एक्सचेंज कर सकते हो। आप लोग एक चीज बताओ, आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? पैसे निकालने के लिए। एटीएम से निकाले तो क्या एटीएम चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं, मैं तो कम से कम 35-40 एटीएम घूम के आया हूं, सुबह 6 बजे से अभी तक कहीं भी चालू नहीं है, एटीएम चालू नहीं हो पाए। जो अगर मनी एक्सचेंज करने की बात है डिपॉजिट करने के लिए, क्या उसमें जो सरकार ने आज कुछ अमेंडमेंट किए हैं कि आपने जो है शादी वालों को 2.5 लाख तक निकाल सकते हैं, बाकी चीजें लेकिन एक्सचेंज को 2000 कर दिया है, उससे कुछ असर पड़ेगा? हाँ, जहाँ खर्च अगर आज के डेट में किसी की तबीयत खराब हो गया चाहे कुछ भी है तो 2000 से तो होता नहीं कुछ, 2000 से उसे नहीं होता, लेकिन आप डिपॉजिट कर सकते हो एटीएम के थ्रू या फिर वैसे विड्रॉल कर सकते हो। आपको लगता है कि एटीएम चला नहीं पा रहे हैं क्या? सर, कल रात में एटीएम चली थी पूरी रात, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आए तो मैनेजर बोले क्या कि एटीएम रात भर चली है, आप 7:30 बजे तक के बाद आओगे तो एटीएम चलेगी यहाँ पे, वैसे अगर कैश लेना है तो 12 बजे तक उम्मीद है कि कैश आएगी। सर, आप लोगों को क्या कुछ दिक्कतें हो रही है? आज सरकार ने कुछ कई बदलाव किए हैं, आपको लगता है वो बदलाव कुछ आप लोगों के हित में है? सर, हम लोग तो 4 बजे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक तो कोई चांस नहीं है कि कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल कैश लेने के लिए कितना कैश लेने को मिल रही है, एक ही चीज देखने को मिल रही है ब्रिजेश, वो ये है कि एटीएम के बाहर लंबी लाइनें, लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बहुत जगह तो अब टोकन सिस्टम कर दिया गया है कि टोकन दे दिया जाता है और जब बारी आती है तब आप, कई ऑफिसेज ने सिस्टम किया हुआ है, आप तब जाकर के पैसे निकाल सकते हैं। चलिए आपसे हम लगातार अपडेट लेंगे ब्रिजेश, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।